तो देखिए खाना क्यों पचता है वज्रासन में बैठ के, क्योंकि जब हम वज्रासन में होते हैं इस पोजीशन में, तो उस वक्त क्या होता है कि हमारा जो ब्लड का फ्लो होता है वो हमारा पूरा कमर से और सिर तक घूमता है, ठीक है। और स्पेशली आपके एब्डोमिनल एरिया में जब ब्लड का फ्लो ज्यादा होगा तो उस वक्त पूरी गर्मी आपके खाना को पचाने में लगेगी, ठीक है। क्योंकि जब आप 5 मिनट आप बैठ के देखिएगा वज्रासन में, आपके पैर सुन्न हो जाएंगे, क्योंकि जब ब्लड का फ्लो आपके पैरों में होगा ही नहीं, तो वो जो पैरों में ब्लड का फ्लो होगा मतलब वो दुगनी गति से आपकी कमर से और आपके सिर तक घूमेगा, ठीक है। तो यही वजह है कि जितनी गर्मी खाना को पचाने के लिए चाहिए होती है, ठीक है, वो आपको वज्रासन में बैठ के आसानी से मिल जाएगी बिना वॉक किए। और आपका पाचन तंत्र वज्रासन में बैठकर मजबूत होता है, खट्टी मीठी डकारें नहीं आएंगी, और आप जो भी खाना खाओगे वो आपको आसानी से पच जाएगा। आप दिन में 3 बार खाते हो तो 3 बार वज्रासन में कम से कम 5-5 मिनट जरूर बैठिए।